नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रदीप टेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफर्बिश्ड फोन्स के बारे में, और एक रिफर्बिश्ड फ़ोन और एक यूज्ड फ़ोन में क्या डिफरेंस है, और इसके अलावा क्या आपको एक रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीदना चाहिए, और अगर खरीद भी रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आपने देखा होगा जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, ये सभी वेबसाइट जो है, जब आप इनसे फ़ोन खरीदते हैं तो आपको जो है 15 दिन या 1 महीने की रिटर्न पॉलिसी देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अगर इस पीरियड में अगर आपके फ़ोन में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है अपने फ़ोन को रिटर्न कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे यूज़र्स जो है अपने फ़ोन्स को जो है कंपनी को बोलते हैं कि हमारे फ़ोन में ये परेशानी है, हमें रिटर्न करना है, तो जो है कंपनी रिटर्न इनिशिएट कर देती है। तो ऐसे में जो है आप तो फ़ोन को रिटर्न कर देते हैं, पर कंपनी उस फ़ोन को क्या करेगी, उसका तो डब्बा खुल चुका है, वो तो अब नया फ़ोन रहा नहीं, हालांकि वो ज़्यादा यूज़ नहीं है, फिर भी उसे कंपनी जो है लीगली नए फ़ोन की तरह नहीं बेच सकती। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, उस फ़ोन में अगर कोई डिफेक्ट है तो कंपनी जो है उसे पूरी तरह से चेक करती है और उस प्रॉब्लम को दूर करती है, और उसको जो है रिफर्बिश तरीके से बेचती है, यानी कि उसकी प्राइस को कम कर देती है। अगर 15,000 का फ़ोन है तो उसे 10,000 में जो है रिफर्बिश नाम से बेचेगी कि ये फ़ोन रिफर्बिश्ड है, तो ऐसे जो है कंपनी बेचती है उस फोन को। तो ऐसे ही फोन जो है रिफर्बिश्ड कहलाते हैं। हालांकि दोस्तों, उस फोन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और वो ज़्यादा चला भी नहीं है, सिर्फ 1 हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन, और कई बार तो दोस्तों ऐसा भी होता है कि फ़ोन में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, फिर भी यूज़र्स जो है रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो ऐसे ही फोन्स जो है रिफर्बिश्ड कहलाते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं एक यूज्ड फ़ोन और रिफर्बिश्ड फ़ोन। तो दोस्तों, रिफर्बिश्ड फ़ोन तो आप जान गए, अब एक यूज्ड फ़ोन की बात करें तो दोस्तों, एक यूज्ड फ़ोन में जो है आपको कोई वारंटी नहीं मिलती है, हालांकि एक रिफर्बिश्ड फ़ोन में जो है आपको 6 महीने या 1 साल की वारंटी मिलती है, और अगर आपको रिफर्बिश्ड फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो है आप कंपनी से कह सकते हैं और कंपनी जो है उसको खुद ठीक करके देती है। और गाइस, यूज्ड फ़ोन को आप नहीं जानते हैं कि कितना चला है, एक यूज्ड फ़ोन को जो है कंपनी कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। वैल्यू ऐड करना मतलब कंपनी एक यूज्ड फ़ोन को बिल्कुल भी चेक नहीं करती, और एक यूज्ड फ़ोन के साथ आपको कोई वारंटी नहीं मिलती, और आपको पता भी नहीं होता कि एक यूज्ड फ़ोन कितना चला है, 1 साल 2 साल चला है। हालांकि एक रिफर्बिश्ड फ़ोन में आपको एक श्योरिटी होती है कि वो 1 हफ्ते या 15 दिन ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज्ड है, या फिर कई बार तो ऐसा भी नहीं होता, सिर्फ डब्बा ही खुला होता है। सो गाइस, ऐसा होता है रिफर्बिश्ड और यूज्ड फ़ोन्स में मेजर डिफरेंस। और गाइस, अब बात आती है कि आपको रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, रिफर्बिश्ड फ़ोन आप खरीद सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं, एक रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीदने का आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको जो है फ़ोन सस्ता मिल जाता है। और दोस्तों, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी ज़रूरी है कि एक रिफर्बिश्ड फ़ोन और एक न्यू फ़ोन में कितना डिफरेंस है, यानी कि अगर फ़र्क सिर्फ 2-4 हज़ार रुपये का है तो आपको एक रिफर्बिश्ड फ़ोन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, एक ओरिजिनल फ़ोन न्यू फ़ोन ही खरीदना चाहिए। और दोस्तों, जैसे कि एप्पल का आईफोन एक्स हुआ, एक न्यू आया है जिसकी कीमत 1 लाख है, और एक रिफर्बिश्ड है जिसकी कीमत जो है 70,000 है। तो दोस्तों, अगर आप फोन खरीदना चाहते हैं तो आप रिफर्बिश्ड खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको 30,000 रुपीज़ का जो है फ़ायदा हो रहा है। स्क्वाइस ऐसा है, और आपको उसके साथ वारंटी भी मिलेगी, कंपनी खुद उसकी वारंटी देगी। स्क्वाइस ये फ़ायदा होता है, और अगर फ़ोन में डिफरेंस कम है तो आपको नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा गाइस, आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए रिफर्बिश्ड फ़ोन्स खरीदते समय कि फ़ोन कितना पुराना है। अगर 6 महीने 1 साल से ज़्यादा फोन पुराना है रिफर्बिश्ड फ़ोन तो दोस्तों आपको नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको मॉडल सर्च कर लेना चाहिए कि ये मॉडल कब लॉन्च हुआ। ऐसे में जो है अगर 1 साल से अधिक पुराना है तो रिफर्बिश्ड नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा गाइज, आपको ये भी चेक करना चाहिए कि अगर आप रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीद रहे हैं तो उसकी वारंटी कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है या फिर कोई थर्ड पार्टी। ऐसे में अगर आपने अगर ठीक से चेक नहीं किया तो आपको जो अगर कोई प्रॉब्लम आई फ्यूचर में तो आप किसके पास जाएंगे, थर्ड पार्टी कहाँ ढूंढते फिरेंगे उस व्यक्ति को जिसने वो आपको वारंटी दी है। और दोस्तों, एक रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीदते समय आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी आप फ़ोन खरीद रहे हैं उस फ़ोन की मॉडल हिस्ट्री आपको ज़रूर देखनी चाहिए, यानी कि उस फ़ोन में जो है ज़्यादा यूज़र्स को कोई परेशानी तो नहीं हुई थी। यानी कि कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती ही है, तो इस चीज़ को आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सैमसंग के रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो आप जो है सैमसंग की वेबसाइट पर ही जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी खुद जो है रिफर्बिश्ड फ़ोन्स को सेल करती है। दोस्तों, ऐसे में एक प्राइस कंपैरिजन ज़रूर कीजिएगा, अगर प्राइस में मेजर डिफरेंस आपको मिले तो ही आप उसे खरीदें। सो गाइस, ये थी रिफर्बिश्ड फ़ोन्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको पसंद आई हो। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।